नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर, जिसमें हम आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को शामिल करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3200 रुपये हो जाता है, तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में यानी 2 वर्ष के समय में उसी दर से, जो 8% है उसी दर से क्या होगा। तो हम इसको बनाते हैं, कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3200 हो जा रहा है, तो यानी 1 वर्ष में कितना होगा, फिर 1600 होगा। ठीक है, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज की हम बात करें वो कितना होगा, 1600 रुपया हो जाएगा। ठीक, अगर हम 2 वर्ष के बाद बात करें, 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद यही धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या होगा। 2 वर्ष बाद अगर हम बात करें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3200, धन 1 वर्ष के साधारण ब्याज का 8%, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह है 1600, इसका कितना परसेंट, 8%। ठीक, लिया जाएगा 3200 धन 128, अर्थात 3328। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। दूसरा तरीका भी था इसका, जो हम दूसरे वे से इसको ज्ञात कर सकते हैं, वो देखिए किस तरीके से होगा, जो कि शॉर्ट मेथड है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और साधारण ब्याज दिया हो, तो उसके लिए एक सूत्र आता है जो कि इस तरीके से होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 धन आर बट्टा 2/100, 2 वर्ष के टाइम के लिए होगा, इसलिए हम आर ओवर 2 करेंगे। साधारण ब्याज हमारा दे रखा 3200 रुपया गुणा 100 धन आर बट्टा 2 यानी 8/2 4 आ जाएगा, 100 0 0 कैंसिल, और यह आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 32 गुणा 104, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3328। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ए बी सी डी, 1650 रुपया, 1600 और 1700 एंड 1800 रुपये, 1800 रुपीज। देखो यहाँ पर 5000 रुपया ये क्या चीज़ है हमारी, ये है मूलधन, मूलधन हमारा, यानी इसको प्रीमियम बोलते, पी ये आ गया 5000 रुपया। ठीक है दोस्तों, और जो रेट है वो रेट यानी आर दर वो कितना है, 8%, और समय यहाँ पर टी दे रखा है, टाइम 4 ईयर, 4 वर्ष दे रखा है। ठीक, सूत्र है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100, वैल्यू रखेंगे 5000 जो मूलधन है प्रिंसिपल, और रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 4/100, 2 0 कैंसिल। ठीक, 50 × 32 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 1600, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो साधारण ब्याज होगा वो कितना निकलेगा, 1600।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन पर 3/1/2 % वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों का साधारण ब्याज 525 रुपया होगा, यानी किस धन पर? तो हमें ज्ञात करना है इसका मूलधन। पी हमें पता नहीं है, पी हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक। और दिया क्या है, 3/1/2 यानी रेट दे रखा है 3/1/2 या जाएगा सॉल्व करके 7/2%। और टाइम कितना दिया है टी, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 + 1 = 5/2 5/2। और निकालना क्या है, और दिया है 525 रुपया जो होता है ये हमारा SI है, साधारण ब्याज 525। तब SI बराबर फॉर्मूला है P × R × T/100। वैल्यू रखेंगे इसकी जगह आ जाएगा 525 525। पी को पी रहने दीजिए, आर की जगह पे आ जाएगा 7/2 और टी की जगह पे 5/2 × 1/100, ठीक है। तो पी बराबर आ जाएगा, इम्प्लाइज करके दिखाएं, पी बराबर ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे 525 × 4 × 2 = 4 × 100/7/5, ठीक है। 5 से ये गया 20 टाइम। और इस प्रकार से पूरे को सॉल्व करने के बाद आ जाता है आपका 6000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए लगाई गई राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होगा, वो दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। यानी हमें इसमें मूलधन भी प्राप्त नहीं है, तो हम बोलेंगे मूलधन मान लीजिए हमारा क्या है जो प्रिंसिपल है वो हो गया पी। शर्त क्या कहता है प्रश्न अनुसार, किस वार्षिक ब्याज पर 5 वर्षों के लिए लगाई गई राशि, यानी ये लगाई गई राशि हमारी पी है, आधे के बराबर साधारण ब्याज। तो ऐसा ही इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा P/2, लगाई गई राशि की आधी। और किस दर पर, दर यानी हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क रेट। और समय कितने समय के लिए, 5 ईयर के लिए T = 5। तो हम निकालेंगे SI = V × R × T/100। तो SI कितना है, P/2, P को P रख दो, R हमें ज्ञात करना है, T दे रखा 5/100, P से P कैंसिल, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100/2 × 5 = R, 2 × 5 = 10, 10 से कैंसिल होगा तो R की जगह पर क्या आ जाएगा, R = 10 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 10% वार्षिक जो दर है रेट है उसके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज अपने दिए गए मूल्य का आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5600 रुपीज़ होता है, 5 ईयर में 6500 रुपीज़ हो जाता है, तो वह राशि साथ में साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें मूलधन और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ मूलधन और ब्याज की दर हमें मालूम करनी है और 2 रूप में दे रखी है। PRT की जो हम वैल्यू निकालेंगे उस 2 सूचनाएँ के आधार पर निकालेंगे। दूसरी बात ध्यान रखने की है कि हमारा जो पहला वाला मान दे रखा है 5600 और यहाँ 6500, ये क्रमशः 2 और 5 वर्षों का मिश्र धन है। ये जो है अमाउंट है मिश्र धन, पहले 2 वर्षों का और पहले 5 वर्षों का, 5 वर्ष के बाद का और 2 वर्ष के बाद का। अगर हम ब्याज का अंतर निकालें, 3 वर्षों का ब्याज का अंतर, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यानी 3 साल का अंतर आ रहा है, तो 3 साल का जो अंतर होगा साधारण ब्याज होगा। तो 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का
ब्याज, ये होगा 6500 माइनस 5600 जो कि सब्ट्रैक्ट करके आ गया 900। 3 साल का ब्याज होगा 900 रुपया, 3 ईयर का। तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, नाइन हंड्रेड ओवर 3। तो अगर 2 ईयर का निकालना है, 2 ईयर का, तो 900/3 2, 3 × 3 × 3 = 6 यानी 600 आ गया। ठीक, तो 2 वर्षों का ब्याज देखें तो कितना आता है, 600। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्षों का जो मिश्रधन दे रखा है वो कितना दिया, 5600 दिया है। तो मूलधन क्या होगा, मिश्रधन ऋण ब्याज 5600 ऋण 600 यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 5000 रुपीज, जो मूलधन है वो आ गया 5000 रुपीज। अब निकालना है हमें रेट, रेट की वैल्यू निकालते हैं आर, साधारण ब्याज आ गया 600 × 100/5000 × 2 ईयर, तो 5 यहाँ 12 टाइम और इसे 2 से कटा 6, तो ये आ गया 6%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इतने नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, कितने समय में 8% वार्षिक दर से 7500 यानी 7500 रुपये के ऋण पर 2160 रुपये प्राप्त होंगे। टाइम निकालना है, दिया क्या है, मैं रेट दे रखा है, आर दे रखा है यहाँ पर, दर 8% और ये मूलधन है पी 7500 और एक ऋण पर प्राप्त होंगे यानी साधारण ब्याज, अशाय दे रखा है 2160। तो निकालने के हमें टी निकालना है, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अशाय इक्वल टू आ जाता है पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो वैल्यू रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या जाएगा फिर, अशाय इंटू 100, अशाय कितना है 2160 × 100 ओवर पी इंटू आर, पी 7500 × r 8। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यह जाएगा 2160/75×8 जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 18/5 डिवाइड करके 3.6 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आगे भी सम्मिलित किए जाएंगे, अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।